गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो आज हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन जो कि सीटेट में आए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इन क्लास फिफ्थ व्हाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हुज फॉरेस्ट द टीचर नरेट अ ट्रू एनेक्डोट ऑफ सूर्य मणि हु स्टार्टेड अ सेंटर नेम तोरंग टू डील विथ। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किससे इश्यू है, इश्यू ऑफ लैंड एंड लिवलीहुड, इश्यू ऑफ हंगर, इश्यू ऑफ फॉरेस्ट, इश्यू ऑफ कुडुक कल्चर। अगर आप गेस भी करो तो यहाँ पे लैंड का इश्यू है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इश्यू ऑफ लैंड एंड लिवलीहुड और डी होगा इश्यू ऑफ कुडुक कल्चर। एक बार आप बुक से पढ़ोगे इसको तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, उसके जो पूरी फैमिली होती है अगर वो टीम वर्क करती है, एक मिलजुल के सारा काम करती है तो कभी भी कोई लड़ाई नहीं होगी और सोसाइटी हो गई। जैसे हमारा नेबर में जो लोग रहते हैं हम लोग मिलजुल के रहेंगे, एज अ टीम रहेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सो वहां से बच्चा सीखता है। और टीम वर्क बच्चा सीखता है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स खेलता है जब बच्चा, सो वहां पे बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जहां उसे टीम में वर्क करना पड़ता है, तो टीम वर्क वो स्पोर्ट्स से सीखता है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। आंट जो है वो झुंड में रहती है, सोशल मतलब सबके साथ रहती है। टर्माइट भी बहुत झुंड में ही रहता है। हनी भी आपने देखा होगा वो पूरे अपने छत्ते में रहती है, पूरी झुंड में रहती है। जो बीटल होता है वही अकेले रहता है, यहाँ पे उसकी पिक्चर भी मेंशन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। सो वलसाड कौन से साइड है, सो ये नॉर्थ वेस्ट में है वलसाड, मतलब आपको हैदराबाद के कंपैरिजन बताना था कंपैरिजन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैदराबाद कहाँ पे है एंड हैदराबाद से वलसाड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये भी है कि आपको यहाँ पूरे के पूरे स्टेट पता होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ ऊपर आता है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, इधर आता है पंजाब, फिर सबसे बड़ा यहाँ आपको दिखाई देगा राजस्थान अलग से, देन गुजरात है इधर, गुजरात के इधर थोड़ा सा छोटा सा मुंबई, मुंबई के बाद छोटा सा यहाँ गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर हो गया हमारे सेवन सिस्टर्स और भी बहुत सारी चीजें, बांग्लादेश। सो आपका बे ऑफ बंगाल से भी क्वेश्चन आता है और अरेबियन सी से बहुत क्वेश्चन आता है। सो मैप का प्रिपरेशन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज यूज इन अबू धाबी। अबू धाबी में दिरहम यूज होता है, याद रखना है। सो यहाँ पे मैं पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो 50 दिरहम का ये पिक्चर है। नेक्स्ट इज इन चिराव डांस पीपुल सेट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड एज अ ड्रम बीट्स बैम्बू आर बीटन ऑन टू द ग्राउंड डांसर्स स्टेप्स इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चिराव डांस परफॉर्म। सो चिराव डांस जो होता है, चिराव डांस वो होता है मिजोरम में, आपको याद रखना है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। सो ये आप देख सकते हो ऐसे होता है चिराव डांस जो कि होता है मिजोरम में, ऐसी ड्रेस आप देख रहे हो मिजोरम की ड्रेस है ये। नेक्स्ट है रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज फॉर द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप सबको पता है राजस्थान में बहुत ही ज्यादा कम बारिश होती है और वहां पे बहुत ज्यादा सूखा एरिया होता है जहां के जल्दी पानी नहीं मिल पाता है। सो वहां पे लोग रेन वाटर को भी कंजर्व करते हैं। सो कंजर्व करके वो क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर, ग्राउंड को, ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। देन ये कहाँ होता है, राजस्थान में, आंसर इज राजस्थान। एट इज ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। सो ब्रह्मपुत्र जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश एंड असम में ही फ्लो करती है। नेक्स्ट इज फैमिली, फैमिली कैसा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, सबसे पहले आप फैमिली से सीखते हो। सो दिस इज द आंसर इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण का सोर्स है आपका फैमिली। देन मेनी मूवमेंट्स हैव इंडोर्स द नीड टू सेव द एनवायरमेंट हु अमंग्स द फॉलोइंग प्ले द क्रूशियल रोल
इन द चिपको आंदोलन इन 1970s, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जो था उसका मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। नेक्स्ट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, द इंडिजिनस पीपल वर कंपेल्ड टू मूव आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। सो वो क्या करे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह वो चले गए, ठीक है, कंपेल कर लिया। नेक्स्ट इज 12th, वी शुड नॉट लीव कुक्ड फूड अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हम क्या करते हैं, जो कुक फूड होता है या फूड जो अनकवर्ड होता है या अनरेफ्रिजरेट फूड होता है, अगर उसको बाहर छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक, खाना खराब हो जाता है, आपने देखा होगा। सो कौन सा एजेंट की वजह से ये खराब हो जाता है, फूड स्पॉइलेज होता है, सो बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया लग जाते हैं उस पर, उसकी वजह से यहाँ पे फूड स्पॉइलेज हो जाता है कुक्ड फूड में। नेक्स्ट इज द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन ऑफ एवरी फूड पैकेट आइटम। सो पहला ऑप्शन है एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन सेल्फ लाइफ। सो हाँ, सब खाने की, जैसे आपने ब्रेड का देखा होगा तो वो लगभग एक हफ्ता या उससे भी कम होता है, बट आपने चॉकलेट्स वगैरह में देखा होगा लगभग एक साल तक भी होता है, ठीक है। सो सारे खानों की चीजों में अपनी अपनी अलग अलग लाइफ होती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम सम प्रिजर्वेटिव आर यूज। यस, सम प्रिजर्वेटिव आपके अचार वगैरह में, बेंजोएट वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट इज सी है आपका, आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजन डेवलप इन इट टू स्पॉइल। ओके, तो कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, खराब होने लगता है आपका खाना, क्योंकि उसमें जो पैथोजन्स वगैरह होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, बैक्टीरिया पैथोजन्स वगैरह आपके डेवलप होने लगते हैं, जो कि फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। येस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन। एंड वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम। हाँ, हमें जो एक्सपायर्ड फूड आइटम है वो नहीं खाना चाहिए, इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसे कोई भी खा रहा है, भले वो सामने से आपको सही दिखाई दे रहा है, बट अंदर से उसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया या पैथोजन का मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है जब आपको दिखाई नहीं देता है फिर भी। सो ए बी एंड सी डी सारे सही हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज प्लोरिफरेशन मेनी मैथड्स आर सजेस्टेड, फाइंड आउट अ मैथड विच डज नॉट चेक द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं प्लोरिफरेशन, मॉस्किटोज का मतलब बढ़ना वगैरह। सो बहुत सारे मेथड्स यहाँ सजेस्ट किए गए हैं। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट द मेथड विच डज नॉट चेक द ब्रीडिंग, सो मतलब जो ब्रीडिंग नहीं चेकआउट करता है वो। सो कीप चेंजिंग द वॉटर फ्रॉम द कूलर एट लीस्ट ट्वाइस इन अ वीक। सो हाँ, हमें चेंज करते रहना चाहिए। पुट फिश इन द पॉन्ड्स एंड वाटर लॉगिंग एरिया सो दे ईट द मॉस्किटो लार्वी। सो मॉस्किटो से बचने के लिए हम ये भी करते हैं, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स। और मॉस्किटो नेट्स का यहाँ पे आंसर सही होगा, यहाँ पे हम किसी एक्स्ट्रा चीज का वैसे यूज नहीं कर रहे हैं। सो ये मेथड है जो कि चेक नहीं करता है आपका कि मच्छर कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। क्वेश्चन इज, डॉक्टर एडवाइज डायरिया पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कुक्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सो यहाँ पे डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि जिसको पेशेंट को डायरिया है, सो उन्हें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड या तो कूल बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर लेना चाहिए और उसमें हल्का सा नमक या शुगर उसमें डालनी चाहिए। क्यों? सो पहला ऑप्शन है ओनली शुगर, वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। यस, नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब। सो हाँ, शुगर एंड सॉल्ट वाला जो होता है आपका इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में। बॉइलिंग वाटर मेक्स द वाटर जर्म फ्री। यस, आपने पढ़ा ही होगा कि अगर हम पानी को उबालते हैं सो उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह होते हैं सो वो सब निकल जाते हैं, या तो फिल्टर वाटर आपको पीना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ए आंसर आपका सही होगा, ए बी एंड सी। नेक्स्ट इज इन क्लास थर्ड, अ टीचर जोसेफ
वाइल टीचिंग द चैप्टर फूड वी ईट, सो वैसे मैं अभी फूड वी ईट पढ़ाई हूँ, आज स्टूडेंट टू डिस्कस वॉट दे एट येस्टरडे, वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन. सो यहाँ पे अगर टीचर पूछ रहा है कि अगर आपने कल क्या खाया या आज सुबह आपने क्या खाया है, सो यहाँ पे शेयरिंग विद पीयर्स व्हाट दे एट, सो इससे का तो कोई मतलब नहीं है. शेयरिंग एस्पेक्ट्स ऑन फूड डाइवर्सिटी, सो ये आंसर आपका सही होगा कि जो बच्चों ने, सब बच्चों ने एक तरीके के फूड नहीं खाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि सब एक ही तरीके का खाना खा रहे हों. हाँ, इसमें आपको फूड डाइवर्सिटी पता चलेगी और फिर आप बच्चों को बता सकते हो कि जो वो खाना खा रहे हैं वो कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं. सो ये ऑप्शन काफी ज्यादा सही है. नेक्स्ट है आपका शेयरिंग व्हाट इज बैलेंस डाइट. सो हमने तो चैप्टर की स्टार्टिंग अभी करी ही है और हम बस पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया था, सो हम तो डायरेक्ट बैलेंस डाइट पे नहीं जाएंगे. ओके, शेयरिंग व्हाट इज नॉर्मल टू ईट. सो यहाँ पे इसका भी कोई आंसर का तुक नहीं बनता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर और बहुत ही ज्यादा प्रॉपर आंसर है. नेक्स्ट इज इन क्लास फोर्थ एंड क्लास फाइव अंतिया एंड द हनी बीज आर ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा हैज बीन नरेटेड हाईलाइटिंग हर एज अ गर्ल स्टार. वॉट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन इनिशिएटिव. सो इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा चैप्टर के बारे में, ठीक है. सो यहाँ पे जो है पहला बी वाला ऑप्शन होगा, शोइंग गर्ल पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक वॉल्यूम अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, कि लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं. और यहाँ पे जो गर्ल है उसने हनी बीज का एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसे कमाना स्टार्ट किया है, सो उसी की बात यहाँ हुई है. और इस तरीके से लड़कियां कोई भी काम कर सकती हैं और खुद को एम्पावर कर सकती हैं, इक्वालिटी, ठीक है. नेक्स्ट 18 इज इन क्लास फोर्थ द चैप्टर ऑन द वर्ल्ड इन माय होम अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल्स अबाउट हाउ इज ग्रैंड मदर टेल हिम नॉट टू ईट और ड्रिंक एट अनिल्स होम. What important message children learn from the story? So, यहाँ पे है the word in my home. So, यह आपको story पढ़नी पड़ेगी कि अक्षय tells क्या कर रहा है. Grandmother tells that him not to eat or drink Anil's home. So, यहाँ पे है जैसे कि हम बच्चों को मना कर देते हैं कि उसके घर का खाना नहीं खाना है आपको क्योंकि वो नीचे जात का है. सो इससे बच्चों में क्या आता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं लोगों से. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए. सो ये चैप्टर हमें वही सिखा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी. सो छुआछूत वगैरह ये सब भी नहीं मानना चाहिए. सो इस चैप्टर से आप यही सिखाते हो बच्चों को कि ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, सो हमें ये सब हम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब इक्वल हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पीयर असेसमेंट इन ईवीएस. सो पीयर असेसमेंट की बात हो रही है. सो पीयर असेसमेंट मतलब कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे या आपके जो सहपाठी जैसे हम कहते हैं, सो वो क्या करेंगे, वो आपका एक तरीके से असेस करेंगे आपको. सो इट फोकसेज ऑन स्टूडेंट्स ओन असेसमेंट. सो अपने असेसमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है. इट फोकसेज ऑन अ स्टूडेंट वाइल शी इज डूइंग एन एक्टिविटी. सो यहाँ पे वो खुद की कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. सी इट फोकसेज ऑन स्टूडेंट असेसिंग अदर स्टूडेंट इन पेयर्स और इन ग्रुप. यस, इट फोकसेज ऑन स्टूडेंट असेस कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, चाहे वो पेयर में हो, चाहे हम दो दो का पेयर बना दें और चाहे हम चार पांच बच्चों का ग्रुप बना दें और भी ज्यादा ग्रुप बना दें, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके का पेयर असेसमेंट होगा. नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. सो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं होगा यहाँ पे, सबसे अच्छा ऑप्शन है सी वाला. नेक्स्ट इज इन क्लास थर्ड चैप्टर वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन. सो दीपाली जो है ये पूरी की पूरी, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्त है. इफ यू वॉन्ट, मैं एनसीईआरटी की वीडियोज भी डाल दूंगी. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क. सो सी इज द करेक्ट वन. सो यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं, सो यहाँ पे जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़के घर का काम नहीं करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, या लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगे, सिर्फ लड़के ही करेंगे. सो ये है जेंडर बायस आपका. सो उसी पे बेस्ड है चैप्टर. नेक्स्ट है ओरल हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू कोलैक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट द स्टेटमेंट द बेस्ट इलस्ट्रेट इट्स यूसेज. सो यहाँ पे टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड द फ्रीडम स्ट्रगल. सो इसके पहले मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी ही लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में,
जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो और एनसीईआरटी फर्स्टली पूरी प्रॉपर कंप्लीट करके देन क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो ज्यादा आपको समझ में आएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज मैपिंग स्किल आर एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पेस. सो मैपिंग क्या है, एक ऐसी स्किल है कि आप स्पेस को समझ सकते हो. सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द मैप्स. सो मैप इज ऑलवेज मेड assuming that person is looking at a place from the ground. No, so we use symbol to show the object, walls and roads. Yes, this is the correct. Symbol use karte hain. We measure actual distance and depict the same. Yes, this is also not correct one. The north in a map is always towards the top margin. So north jo hota hai wo hamesha top margin pe rehta hai map ke. Aapko bhi pata hoga. We measure actual distance and depict the same. No, agar hum bahut zyada actual distance agar usme show karne lagenge तो कितना ही बड़ा आपका मैप हो जाएगा. सो यहाँ पे है आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी एंड डी. नेक्स्ट इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स टू डिस्कस द इश्यू. वाटर स्कार्सिटी. वाटर स्कार्सिटी मतलब कि यहाँ पे वाटर की कमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टेक्स्ट बुक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ऑडियो एड्स की बात हो रही है. इंसाइक्लोपीडिया न्यूज पेपर रिपोर्ट्स ही छपेंगे. नेक्स्ट इज Which of the following statement is true in relation to the student learning EVS? So, यहाँ पे आपको relation बताना है that the student is learning EVS. So, student are empty vessels? No. Empty vessels नहीं होते और इनको blank slates आपको कभी भी नहीं बोलना है कि जिसे आप खुद fill करेगा, teacher fill करेगा. So, this is wrong. और student are same. सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने पढ़ा होगा. सब बच्चे अपने अलग अलग तरीके सीखते हैं. उनके लिए पेडागोजिकल मेथड्स भी अपने अलग अलग होते हैं. टीचिंग मेथड भी अलग अलग होते हैं. स्टूडेंट लर्न इन अ लीनियर वे. नो, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक तरीके से ही सीखे. हम बच्चों को अलग अलग तरीके से भी सिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्टूडेंट लर्न इन अ स्पाइरल वे. एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इंडिविजुअल. शी एंड ही लर्न्स एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन हर एंड हिज ओन वे. येस, द लास्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन इज द करेक्ट वन. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं दैट्स इन स्पाइरल वे. कोई उनका मतलब सीधे का तरीका नहीं होता है. वो जैसे भी सीखे बट चीजों को वो सीखते हैं. यूनिक बच्चे जैसे कि यूनिक तरीके से वो लोग सीखते हैं. सो हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है. और सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हो इसके लिए. और यहाँ पे हर एक बच्चा हर एक सिचुएशन के लिए अगर उन्हें आप खुद सिचुएशन दो तो वो खुद करके आपको बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन आप बोर्ड पे कुछ चीज करवा रहे हो तब. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए पहले पोर्टफोलियो होता क्या है. इसके बाद आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे. बट हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं. पोर्टफोलियो इज एन इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पोर्टफोलियो इन द मोर एप्रोप्रिएट मैनर. सो पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो बच्चे अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे अपने सेशन के दौरान. सो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं और एक जगह हर एक बच्चे का कलेक्ट करके रखते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा बच्चा इंक्रीज हो रहा है. उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है पढ़ाई में कि नहीं हो रहा है, या वो डिक्रीज हो रहा है, कैसा हो रहा है. सो उसके लिए होता है हमारा पोर्टफोलियो कि बच्चों की एक्टिविटीज रखना और उनका डे टू डे वर्क देखना. ठीक है, ये सारी चीजें. सो इन्फॉर्मेशन इज गैदर अबाउट द स्टूडेंट नेचुरल सेटिंग. इट कुड बी बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन अबाउट द स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ टीचिंग. नो, सो यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है. बी इज इट इन्वॉल्व कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा अंडरटेकन वंस ऑफ पीरियड. सो एक बार नहीं करते हैं, हमेशा बार बार हमेशा करते रहते हैं. सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर दैट हेल्प इन फोकस अटेंशन ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वन. डी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क. यस, कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट वर्क को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यूजुअली डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट बेस्ट पीस ऑफ वर्क. सो अगर डे टू डे नहीं कर रहे हैं सो बेस्ट पीस ऑफ वर्क भी हम कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों का. और हमेशा हमें कलेक्ट करते रहना है. जैसे कि अगर आप बच्चा अगर सेकंड में है तो बच्चों के आप कलेक्शन करके जो थर्ड में कोई टीचर अगर न्यू क्लास टीचर बन रहा है सो उसे आप पोर्टफोलियो दे सकते हो. सो टीचर जो थर्ड में है उसको समझने में इजी रहेगा कि कौन सा बच्चा कैसा है, वो कैसा परफॉर्म करता है और उनमें वो क्या चीज आप डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इशू सरफेस क्वाइट ऑफन इन द क्लास रूम एज अ टीचर. When a student brings about the socio-cultural issue for discussion, how would you respond? So, यहाँ पे surface quiet, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर
उजागर होती है. सो टेल द स्टूडेंट टू शेयर हिज एन एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू एड्रेस द सेम इन द क्लास. सो डी इज अ करेक्ट. नेक्स्ट इज अ टीचर इज कीन दैट हर स्टूडेंट डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लांट्स. व्हाट अमंग द फॉलोइंग डज शी नीड टू. सो टेल स्टूडेंट टू मेमोराइज. सो मेमोराइज नहीं करना है. टेल स्टूडेंट टू आज देयर पेरेंट्स. और पेरेंट्स से भी नहीं पूछना है. टेल स्टूडेंट टू अकंपनी हर इन द स्कूल गार्डन. सो यहाँ पे बच्चे खुद जाएंगे, खुद करके सीखेंगे, खुद आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट्स को. सो अगर हमें प्लांट्स के बारे में सिखाना है तो ये हम कर सकते हैं. सो सी इज द करेक्ट वन. द फरा वाइल टीचिंग द थीम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू क्लास थर्ड स्टूडेंट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी टू इनकरेज इंक्वायरी अमंग द लर्नर. सो आर स्टूडेंट टू कलेक्ट एंड क्लासीफाई पिक्चर ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो ए इज करेक्ट. शो अ वीडियो ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो वीडियो दिखाने से कुछ भी नहीं हो जाएगा. आर स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस विद देम. यहां से बच्चे सीखेंगे, यहां से उनकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी. सो सी शो अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो आप बच्चों को खुद दिखा दे रहे हो. सो उससे कुछ भी उनका इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है तुरंत तुरंत. हाँ वो सीखेंगे बट वो खुद से जो करेंगे उनको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा. सो ए एंड सी इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट इन द चैप्टर थर्ड क्लास थर्ड चैप्टर फ्लाइंग हाई वाइल डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक बर्ड टीचर टीना आज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व बर्ड एंड देयर करेक्टरिस्टिक इन देयर सराउंडिंग. द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू. सो यहाँ पे जो यहाँ पे बर्ड का जो चैप्टर है फ्लाइंग हाई. सो टीना आज टू ऑब्जर्व द बर्ड एंड देयर करेक्टरिस्टिक इन द सराउंडिंग. सो यहाँ पे क्यों कह रही है टीचर टीना को कि वो जाए और देखे बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक, जाने सराउंडिंग में देख के पता करें. सो डेवलप इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन बर्ड. सो अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन ही बतानी होगी तो वो डायरेक्ट बता देंगी. डेवलप नॉलेज बेस्ड अबाउट द बर्ड्स अमंग स्टूडेंट्स. सो इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले कि अगर वो बर्ड को देख रहे हैं कि वो कैसे उड़ रही हैं, फिर अगर उन्होंने मान लीजिए नेस्ट देख लिया और भी काफी सारी चीजें देख ली, उसके फेदर्स देख लिया, अलग अलग फेदर्स हैं, कलर्स उनके अलग अलग हैं. सो उनके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए कि इंटरेस्ट जगाएंगे तभी वो पढ़ने में और अच्छे बनेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो हम उनको तुरंत नहीं करवा सकते हैं ना कि तुरंत वो देख के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कर लें. सो ये नहीं आंसर होगा, सी होगा. सीमा एंड ईवीएस क्लास टीचर ईवीएस टीचर आज स्टूडेंट टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड देम लाइक मेटल पेन, स्टील स्पून, प्लास्टिक स्पून. पुट द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन इन अ बकेट ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट दे फ्लोट और सिंक. क्या फ्लोट कर रहा है, क्या सिंक कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट आपको डाल डाल के देखने. स्टूडेंट आस्क हर व्हाई स्टील स्पून सिंक बट द प्लास्टिक स्पून फॉल. शी डिड नॉट थिंक इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस डेंसिटी टू एक्सप्लेन टू देम बिकॉज. सो दे कैन नॉट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी. क्या वो रिमेम्बर नहीं करेंगे डेंसिटी के. सो यहाँ पे दे फॉर्म अल्टरनेट कंसेप्शन अबाउट द डेंसिटी. सो यहाँ पे टीचर है. सो टीचर ने बोला आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके लेके आओ, मेटल पेन हो गया या स्टील स्पून हो गया, प्लास्टिक का स्पून हो गया. सो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि क्यों ये प्लास्टिक वाला फ्लोट कर रहे हैं एंड स्टील वाला क्यों सिंक कर गया. सो यहाँ पे आंसर होगा आपका दे फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शन. सो यहाँ उसके अल्टरनेटिव कंसेप्शन बन रहे हैं डेंसिटी के. सी है विल लर्न, हर लर्न करेगा डेंसिटी ऑन हायर क्लासेस. सो ये है कि वो बड़े क्लासेस में जाके सीखेगा. अभी हम बी उसको थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं कि क्या इसकी वजह है, कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं. ओके Now this is the end of the today's video. So thank you and subscribe to my channel guys. Bye bye.